أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تمام تعريف الله کے لیے ہیں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर उनके अहले आल पर और उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर अल्लाह ताला बीच में सलातुल वुस्ता के बारे में जिक्र है, असर की नमाज जिसे कहा जाता है। हाफिज़ु अला सलावाती, हिफाजत करो ऊपर नमाजों के। यहाँ पे हिफाजत का क्या मतलब है? निगरानी करो, मॉनिटर करो, यानी तुम जो है नमाजों को सही तरीके से अदा करो। अब यहाँ पे हिफाजत में जो है सारी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तहारत से शुरू होगा, फिर टाइम, फिर क़िबला, फिर अरकानात और वाजिबात। दुरुस्त जो है इनका ख्याल रखते हुए तुम नमाज पढ़ो। और ख़ास तौर से वस्सलातिल वुस्ता और सलाते वुस्ता, वुस्ता यानी बीच की नमाज। अब सबसे मिडिल वाली नमाज कौन सी? हमारे दिन की असर की नमाज। तो अब यहाँ पे असर का टाइम ऐसा होता है जो बहुत हम लोग बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा। तुम उसकी क्या करो? हिफाजत करो। ऐसा नहीं कि काम में और उसमें जो है असर की नमाज की पाबंदी मत करो या फिर उसकी हिफाजत ना करो, ऐसा मत करो। जंग एहजाब के टाइम पे क्या हुआ था, इतना उनको ऑन टोज रहना था तो असर की नमाज जो है उनकी डिले हो रही थी, तो फिर ये आयत नाजिल हुई कि कैसा भी टाइम हो असर की नमाज को तुम जो है वो नहीं करना है। वक़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन, और खड़े हो जाओ अल्लाह ताला के लिए फरमाबरदार बनकर। फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजाला, अब यहाँ पर इस आयत में सलातुल खौफ के जो है अहकामात हैं। सलातुल खौफ कैसे पढ़ी जाएगी, यानी सबसे पहले व्हाट इज़ सलातुल खौफ? सलातुल खौफ का मतलब खौफ का जो टाइम होता है, जैसे जंग का टाइम है या फिर कम्युनल राइट्स का टाइम है या किसी दुश्मन के हमले का डर है, ऐसा टाइम है, तो वैसे टाइम पे जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसको सलातुल खौफ कही जाती है, ठीक है। यानी, और ये सलातुल खौफ कोई स्पेशल नमाज नहीं है, ये फ़र्ज़ नमाज है, ठीक है। फ़र्ज़ नमाज को खौफ के टाइम पे या फिर जब डर हो कि किसी का हमला है या कहीं से जो है, ये इंसानों की तरफ से भी हो सकता है या फिर जो है जानवरों की तरफ से भी हो सकता है, तो जब हमले का डर हो या फिर आपको ऑन टोज रहना है तो वो टाइम पे नमाज कैसी पढ़ी जानी चाहिए, उसका जो है फ़र्ज़ नमाज कैसी पढ़ी जानी चाहिए, उसके जो है अहकाम है। अब ये कैसे पढ़े जाना चाहिए? अब देखिए, अब सफ़र और हदर का तो हमको मालूम है कि अगर सफ़र में है तो जो है उसके शॉर्टन रकात होंगे, जैसे जहर के दो रकात होंगे और असर के दो होंगे, फजर के तो दो ही होते हैं, मगरिब के तीन होते हैं, ईशा के जो है दो रकात होते हैं, तो फिर इनको छोटे करके पढ़ा। और हदर में जो है जब ट्रैवल नहीं कर रहे आप, जब जो है पूरी पूरी नमाज पढ़ना है, तो ये खौफ के टाइम पे भी वही होगा, यानी अगर आप अपने सिटी में हैं तो फिर पूरी पढ़ेंगे, अगर कहीं बाहर है तो फिर उसको शॉर्टन पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अब ये सलातुल खौफ जो है इसका पढ़ने का तरीका ये है कि इमाम, ये भी देखिए, अब खौफ के टाइम पे भी बाजमात नमाज हो रही है और जब नमाज छोड़ने का बिल्कुल चांस नहीं है, तो जब क्या करेंगे, इमाम जो है एक जो भी इमाम होंगे, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल, सपोज 10 पीपल हैं, तो फिर इमाम के साथ जो है क्या होंगे, 5-5 डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 विल बी डूइंग पहरा या फिर 5 विल बी जो है मैदान जंग में लड़ रहे हैं, ठीक है। अगर जंग चल रही है मैदान जंग में, 5 लोग, मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, तो अगर 10 लोग में से 5 है, 5 लड़ाई कर रहे हैं, तो 5 क्या करेंगे, इमाम के साथ पहली रकात पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरी रकात में ये 5 चले जाएंगे लड़ेंगे, और घोड़े में है, घोड़े पर है, सवार है, पैदल है, जैसे भी है, वो अपने आधी नमाज कंप्लीट कर लेंगे और बाकी के 5 जो है इमाम के पीछे कंप्लीट करेंगे। तो ये चाहे जंग में हो या पहरे पे हो, तो इस तरह आधे आधे और इमाम के साथ आधी नमाज करेंगे और आधी अपनी खुद पूरी कर लेंगे, तो इस तरह जो है वो होगी। अच्छा, अब अगर हालात इतने ख़राब है कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि
इमाम के साथ आधे पढ़े जाए, यानी आधे दे हैव टू बी, यानी पूरे पूरे इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, पूरे 10 की जरूरत है ग्राउंड पे। तो फिर ऐसे हालत में क्या करेंगे कि जैसे है वैसी हालत में, यानी अगर जंग में है जंग में ही नमाज पढ़ लेंगे, अगर पैदल है तो पैदल, सवार है तो सवार, घोड़े पे है तो घोड़े पे, ऊंट पे है तो ऊंट, जैसे भी है वो हालत में जो है नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन नमाज को नहीं छोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं फ इन खिफ्तुम, फिर अगर खौफ हो तुमको, यानी ड्यूरिंग तुम्हारे खौफ का टाइम हो, फरिजाला, तो पैदल चलना है, और रुकबाना या सवार होकर, फ़ाइदा अमिन तुम, फिर जब अमन में आ जाओ तुम, फ़ज़कुरुल्लाह, तो जिक्र करो अल्लाह ताला का, कमा अल्लमकुम, जैसा कि उसने सिखाया तुमको, मालम तकून तालमून, जो ना थे तो तुम जानते हैं, यानी अब खौफ का टाइम खत्म हो गया है, तो फिर नॉर्मल नमाज पढ़ो, और ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने तुमको सिखाई। अब देखिए खौफ के टाइम पर, जंग के टाइम पर जो है अल्लाह ताला नमाज का बता रहे हैं कि वैसे टाइम पर भी एक्सक्यूज नहीं है। तो फिर शॉपिंग, मेकअप, गॉसिप, दावतें, बाजार, इसके पीछे क्या नमाज छोड़ी जा सकती है? सोच कर देखिए। सलातुल कौफ के बारे में कुछ चीज़ें बताऊं मैं आपको। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के एक हिस्से को जंग के वक्त एक रकात नमाज पढ़ाई, जबकि लश्कर का दूसरा हिस्सा दुश्मन के साथ जंग में मसरूफ रहा। फिर नमाज पढ़ने वाला हिस्सा दुश्मन के सामने आ गया और दूसरे हिस्से को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात नमाज पढ़ाई और सलाम फेर दिया। फिर पहले और दूसरे दोनों हिस्सों ने अपनी बाकी यानी एक एक रकात मैदान जंग में अलग अलग पूरी करी। ये मुस्लिम की रिवायत है ना, सही मुस्लिम की यह हदीस है। और एक और जगह हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि गजवे का जो है मौका था, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, नमाज की नियत बांधी गई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के एक हिस्से को 2 रकात नमाज पढ़ाई और वो चला गया, फिर लश्कर के दूसरे हिस्से को 2 रकात नमाज पढ़ाई। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 और लोगों की 2-2 रकातें हो गई। और ज्यादा खौफ की सूरत में जिस हालत में मुमकिन हो उसी में नमाज अदा करना है। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल खौफ का तरीका बताते हुए फरमाया, अगर खतरा ज्यादा हो तो पैदल या सवार जैसे भी मुमकिन हो नमाज अदा करो। इब्न माजा की रिवायत है। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.